चलो बेटे, नेक्स्ट इज फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है आपने। एल्काइलेशन कल कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट इज फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। बेटे सी हमने किया बेंजीन, ठीक है। ये होती है फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें आप असाइल ग्रुप लेके आते हो, ठीक है। हाँ, एक होता है एल्काइल जब आर अकेला हो, असाइल जिसके साथ सी ओ भी लगाओ, आर के साथ सी ओ भी लगाओ, ठीक है। चलो जी, अब इसका मैकेनिज्म देखे हैं। यूजुअल तो मैं आपकी असाइलेशन बेटे हम करते हैं सी एच थ्री सी ओ सी एल लेके। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे इसको? ये मिथाइल तो है नहीं, क्योंकि आपको कन्वर्जन आएगी। आपको सीधा कभी कभी लिखा नहीं आता कि कन्वर्ट राइट फीडर क्राफ्ट असाइलेशन। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है जी। इसे कहा जाता है एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक, हमने लुईस एसिड दिया, इसने क्या करना है, इसने सी सी एल को खींच लेना है और आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो इसके यहां पे आप कोई भी आर ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। चलो तो करवाओ, जनरेट हो गया, हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बेंजीन के ऊपर अटैक करवाओ, फिर बेंजीन के ऊपर अटैक। अरे अब अब ध्यान रखना है कि ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले नहीं, ना ऑक्सीजन के ऊपर है। तो जब आपने बॉन्ड बनाना है तो सी का बनाना है। एग्जाम में ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, कभी बीच में ओ आ रहा होता है, कभी ये वाला सी इधर आया होता है। समझ आ रही है? तो बनाओ जरा, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी अपने आप। अरे आप ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर ये यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ। तो बनाओ हरी, अब अपने आप कुछ काम अपने आप किया करो, तभी केमिस्ट्री आएगी। बोर्ड से उतारते रहोगे तो नहीं। इसकी क्यों पोजीशन चेंज हो रही है, कार्बन की पोजीशन क्यों चेंज हो रही है?
कार्बन की पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो जानी है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज होनी है। ये वाला बॉन्ड अब यहां चला जाएगा, ये तो जहां है वहीं रहेगा, हमारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं अगर आपने घर जाके रिवाइज नहीं करना। COCH3, अब ये फिर बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड या एन नंबर इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, एटम्स चेंज थोड़ी ना करते हैं, एटम्स की पोजीशन तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, जो जहां पे एटम तो वहां ही रहेगा, आपने सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। एटम्स की तो रॉन्ग है, अभी तक रेजोनेंस नहीं करनी आ रही आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो स्टार्टिंग में जो FeCl4 नेगेटिव है वो हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव ले जाएगा। ये बॉन्ड निकला हुआ है, तो ये FeCl4 नेगेटिव आया। देखो आप ऐसा भी डिस्टर्ब करते हो बीच बीच में, ठीक है, ये एच को ले जाएगा और ये बॉन्ड फिर से अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, मतलब हर मैकेनिज्म में यही देखा हमने कि पहले इलेक्ट्रोफाइल को हमने जनरेट करवाया, फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, फिर एच प्लस निकाला, प्रोडक्ट का नेम क्या जो बन गया, इसका नेम तो ना आपको ऐसे रटा होना चाहिए क्योंकि क्लास प्लस टू तक जाएगी, एक कीटोन बनी है, पिन बनी नहीं, कीटोन, कीटोन लग रही है आपको, कौन सी कीटोन लग रही है, इसे कहते हैं एसिटाइल एसिटोफिनोन। ये देखो एसिटो ग्रुप है, एसिटो है ना, CH3CO किससे आया, एसिडिक एसिड से, तो अब ये साथ में ये भी ऑन है तो ये एसिटोफिनॉन है, ये क्या है, एसिटोफिनॉन या मिथाइल फिनाइल कीटोन, मगर आपने इसको एसिटोफिनॉन ही याद रखना है क्योंकि हम हमेशा इसको एसिटोफिनॉन जब कन्वर्जन करेंगे इवन इन क्लास 12th तो हम इसको एसिटोफिनॉन ही बोलेंगे आपके सामने। ठीक है जी, तो ये हमने क्या सीखी, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्यों जाता है बेंजीन सब्स्टिट्यूशन एडिशन क्यों नहीं जाता, क्योंकि अगर हालांकि इसके पास डबल बॉन्ड होने के बावजूद ये एडिशन नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी रेजोनेंस खत्म होती है, देखो रेजोनेंस होने के कारण इसकी जो एनर्जी है वो 150 किलो जाउल्स पर मोल कम है, जिसमें एनर्जी कम होगी वही तो स्टेबल होगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी इधर उधर भागेगा, समझ आ रही है, तो रेजोनेंस होने के कारण एनर्जी कम है, अगर एडिशन जाता है तो बेटे बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में जाता है,
एडिशन और ऑक्सीडेशन और टू टाइप्स की रिएक्शंस हैं वो सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है जी। इसके जो सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, और वैसे भी वो इंपॉर्टेंस रखती नहीं इतनी। एडिशन रिएक्शन में आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो हाई टेम्परेचर दे के, तो वो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, या क्लोरीन को ऐड कर देते हो क्लोरीन भी ऐड हो जाती है। समझ आ रही है? दो एडिशन रिएक्शन होती थी पहले। ऑक्सीडेशन में आप ओजोनाइट बनाते हो, ओजोन से भी ट्रीट कर सकते हो, आप कंबस्टन भी कर सकते हो, पर इस बार ये आपने नहीं करना, यू आर लकी वंस, ठीक है जी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी हमारी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑर्थो पैरा या मेटाडेक्टिक ग्रुप के बारे में सीखने जा रहे हो, और इसको ना ध्यान से सीख लेना अपने पूरा माइंड लगा के, क्योंकि ये अगेन क्लास 12th तक चलना है। तब हमने ये नहीं बताना कि वट आर ऑर्थो पैरा या मेटाडेक्टिक ग्रुप, आपको पता होना चाहिए, आप अपने आप करोगे क्वेश्चंस उसके बाद, ठीक है जी। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिन्हें हम ये भी कहते हैं कि रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग को एक्टिव करते हैं। कभी कभी इनमें रिंग डीएक्टिवेटिंग भी आते हैं, पर वो भी ऑर्थो पैरा ही होते हैं। आपको प्लस आई प्लस माइनस आई याद है? क्या था प्लस साइन? प्लस आई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करता है या पाई? सिग्मा, ठीक है। देखो जब आप ये कार्बन चेन पे सीएल लगाते थे तो ये माइनस आई वाला था, क्योंकि ये चेन में से इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये सिंगल बॉन्ड को अफेक्ट करता है, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पे खुद CH3 ही प्लस आई वाला था कि ये ही इलेक्ट्रॉन दे सकता था, इसने धीरे धीरे जैसे कार्बो के टाइम को और ये सिग्मा बॉन्ड को ही इन्फ्लुएंस करता था, ठीक है। अब जरूरी नहीं है जो माइनस आई है वो यहाँ पे प्लस आर ना हो, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती प्लस आर वाले होते हैं, प्लस आर जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो प्लस आर होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए जैसे कि अब इसके ऊपर मैं ओ एच लगा दूं, ठीक है जी। मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है ओ एच इसके पास लोन पेयर है। अब देखा जाए ओ एच माइनस आई है ना, माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ओ एच का एक तो इफेक्ट है माइनस आई, और माइनस आई जो है ना वो डिस्टेंस इफेक्ट होता है। जैसे जो पास है मतलब ये यहां पे सबसे ज्यादा लगेगा, यहां पे कम, यहां पे उससे कम। इसके साथ ये प्लस आर भी है, प्लस आर भी है, ठीक है जी। चैट बॉक्स खोल लें जरा, अब कम ध्यान जाता है इनके ऊपर। ओके, प्लस आर वो सभी ग्रुप हैं जिनके पास यहां पे लोन पेयर हो जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है यहां पे, ठीक है जी। अब ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होंगे और ये यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यहाँ पे ये जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गए और इसके लोन पेयर अंदर चले गए, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अंदर गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज सिंबलाइज कर रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर जो आए हैं ये फिर से अंदर चले जाएंगे और ये फिर से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है।
अब ये फिर से अंदर चले जाएंगे और ये फिर से क्या चले जाएंगे, बाहर चला जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से अंदर चला जाएगा और ये फिर से इसको मिल जाएगा। अब स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटे, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ रहा है, मेटा पे नहीं आता। आपको पता है मेटा पे ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा, समझ आ रही? पहले समझो, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो, मेटा पे एक बारी भी नेगेटिव नहीं आया, दिख रहा है आपको? मेटा कौन सा? ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। ये ऑर्थो है और ये मेटा है, दिख रहा है आपको? कोई आता हुआ नहीं आता? नहीं नजर आता ना, आ नहीं रहा ना कोई भी। अब मैंने बेंजीन के अगर ऊपर OH लगा दिया, अब मैं इसकी हेलोजिनेशन करवाऊं, जो कल करवाई थी ना, तो क्लोरीन कहाँ जाना चाहिए? पहले बेंजीन बिल्कुल अकेली थी, बेंजीन अकेली थी, हम क्लोरीन जहां मर्जी भेज सकते थे। अब हमने OH लगा दिया, अब क्लोरीन कहाँ जाना चाहिए? क्यों? क्लोरीन एक पॉजिटिवली चार्ज बन के आ रही है, क्लोरीनियम आयन, क्लोरीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल आ रही है, एज ए आयन आ रही है आपके पास। आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो आपको अब इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा नजर आ रहे हैं? जहां पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? हाँ जी, तो फिर क्लोरीन अब कहाँ अटैक करनी चाहिए, या ऑर्थो पे या पैरा पे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है ही वहां, है कि नहीं है? अब आपके से ऑर्थो और पैरा हमें पता है कि इसलिए इनको कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये कोई भी अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ऑर्थो या पैरा की तरफ डायरेक्ट करेंगे, ना कि मेटा की तरफ। समझ आ रही है? अब ऑर्थो और पैरा में से किस पे जाना चाहिए अगर हमारे पास ऑप्शन हो? किसके ऊपर नेगेटिव है, ऑर्थो पे ज्यादा है कि पैरा पे ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं होता बेटे, आर इफेक्ट कोई डिस्टेंस इफेक्ट नहीं है। आर इफेक्ट ऑर्थो पे भी उतना इक्वल लगता है जितना पैरा पे लगता है। आई इफेक्ट एक डिस्टेंस इफेक्ट होता है, इसलिए पैरा पे जाता है, क्योंकि पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ कम है। ऑर्थो के पास OH बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है, देखो तो OH जो है माइनस आई का है, अभी खींच भी रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्थो से ज्यादा खींचेगा, पैरा से कम खींचेगा। तो पैरा पे पहले क्लोरीन जाएगी, ये नहीं कि ऑर्थो पे नहीं जाएगी, ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रही? अब नेक्स्ट ग्रुप में लगा, इसके ऊपर अगर मैं NH2 लगा दूं, NH2, इसे क्या कहते हैं? जो मैंने पहले बनाया था उसको क्या कहते थे? फिनॉल। इसे क्या कहते हैं? एनिलीन। इसके ऊपर भी लोन पेयर है। चलो बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको ऐसे टर्न करके और ऐसे बनाओ। हरी अब हाँ जी समृद्धि, आना शुरू कर दो स्कूल आप। आपकी हमेशा वो आवाज नहीं क्यों करती? राइट इन चैट बॉक्स। नहीं मैम, अब ठीक है।
मैम मैं पूछ रही थी कि जो आपने बोला प्लस आर इफेक्ट जो है ऑर्थो और पैरो पे सेम होता है, फिर आपने आई तो भी मैंने बोला कि बोला ही नहीं है, मैंने आई बोला है कि ये डिस्टेंस इफेक्ट होता है, आर इफेक्ट सेम होता है। मैम मैंने भी वही बोला। आपने प्लस आई नहीं बोला था, प्लस आई बोला था। नहीं मैम मैंने प्लस आर बोला। आप ना चैट बॉक्स पे लिखो, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। ओके मैम बाद में पूछूंगी फिर। ठीक है। बनाओ ये कैसे बन रहे राजनीति, गुच्छा मुच्छा अगले पेज पे बना, पेज ही नहीं है आने सारे तो पेज है। चल बना ऐसे, जब बनाओगे तब भी आपको कुछ आना अपने आप। क्लोरीन का टैग ऑर्थो और पैरा दोनों पे होगा, ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, पैरा ज्यादा बनेगा ऑर्थो कम बनेगा, क्योंकि उसमें माइनस आई भी लग रहा है ज्यादा और स्टेरिक हिंडेंस भी है, भीड़ कम ज्यादा है। कभी कभी दोनों पे ही अटैक करता है, वो भी हम केस देखेंगे जब आप प्लस टू में हो जाएंगे। ठीक है जी, दोनों भी अटैक करेगा एक ही पोजिशन पे। धीरे धीरे आपको नॉलेज देते हैं ना, फटाफट नहीं दी जाती। ठीक है जी, तो ये देखो ये भी क्या हो गया बेटे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी लगा होगा तो पैरा पे ज्यादा हो जाएगा ऑर्थो पे कम, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके, इसके अलावा मतलब आपने ये याद रखना है कि हमारा OH चाहे वो माइनस आई है, ठीक है, NH2 सारे के सारे हैलोजन, और बस, और ये NH2 या कोई ईथर ग्रुप OR, ऐसे ग्रुप प्लस R इफेक्ट को शो करते हैं। समझ आ रही? अब हैलोजन्स को रिंग डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि हैलोजन्स का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मगर साथ ही क्या है प्लस आर इफेक्ट भी है, क्योंकि इनके पास भी क्या है लोन पेयर, क्या है लोन पेयर। तो इसके अलावा एक CH3 ग्रुप है, चाहे उसके पास लोन पेयर नहीं है तब भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन दे सकता है रिंग में, ये भी प्लस आर शो कर सकता है। अब वैसे ही अब आज जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है मगर रिंग डीएक्टिवेटिंग है, रिंग को डीएक्टिव कौन करेगा, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन रिंग को डीएक्टिव कर रही है। डीएक्टिव क्यों कर रही है, क्योंकि क्लोरीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, और इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, मगर साथ ही साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब माइनस आई इफेक्ट तो है मगर प्लस आर भी है। अब बनाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी रेजोनेटिंग। तो एक लोन पेयर आप यहाँ ले आओगे और यहाँ पे ये चला जाएगा, अब इतने बना लिए जल्दी बनाओ, हरी अप। ये टाइम हो गया, ये स्टैंडर्ड एंटर करना शुरू कर देती है 5 मिनट पहले।
इडली बनाया करो। तो इस केस में भी देखो बेटे, ऑर्थो पैरा पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, आ रहा है। तो ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये माइनस आई चाहिए है। देखो ऑर्गेनिक में ये ध्यान में रखो कि माइनस प्लस आई वाला एक ही है, पर प्लस आर वाले बहुत सारे हैं। प्लस आई वाला खुद कार्बन है, पर प्लस आर को कोई भी लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, उसको लेना देना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, ये आपकी प्लस टू हाफ खत्म हो जाती है बच्चों को, ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता। और ये जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना, प्लस आई सिर्फ खुद कार्बन है, प्लस आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं लेता, वो लोन पेयर से उसने देखना है कि लोन पेयर है या नहीं है। समझ आ गई। इसके अलावा बेटे मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप चाहे उसके पास लोन पेयर नहीं है, तब भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक तो इसके पास प्लस आई इफेक्ट तो है ही है, ठीक है, इसके पास प्लस आर इफेक्ट भी है। ये किसके कारण है कि ये जो बॉन्ड है ये यहां चला जाता है और ये यहां पे, जिसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस होना। ये थी ना हमने हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है जी। तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे एच, यहां पे एच, और ये वाला एच के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको आप बेटे ये करो, जरा इसकी रेजोनेटिंग खत्म करो।